Hi friends, assalamu alaikum, welcome to BDB Spy, how are you all? Guys, आज मैं Ghost 2019 movie reveal करने वाली हूँ. Ghost movie 18 October 2019 में release हुई. ये एक Indian horror thriller movie है. इस movie को direct किया है विक्रम भट्ट ने. IMDb पर Ghost को मिले हैं 8.5 stars out of 10. So guys, let's go to reveal the movie. मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं एक लड़की जिसका नेम बरखा खन्ना होता है. बरखा भागते हुए अपने रूम के गेट फौरन बंद करती है, मानो जैसे उसे कोई मारने के लिए आ रहा हो. बरखा बेड के नीचे हाइड हो जाती है. अचानक से किसी के स्पिरिट का हाथ उसके फेस पर आता है. सुबह हो जाती है और बरखा का हस्बैंड जिसका नेम करण खन्ना था, करण जब अपने घर आता है, करण पूरे घर में बरखा को ढूंढता है. करण जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है बरखा बाथटब में मरी पड़ी थी. सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं एक लड़की जिसका नेम सिमरन सिंह होता है. सिमरन एक सीनियर लॉयर होती है. सिमरन अपने ऑफिस जाती है. उसकी सेक्रेटरी कहती है एक केस है करण खन्ना का. सिमरन अपने कैबिन में जाती है. वहाँ सिमरन की मुलाकात बॉब से होती है. बॉब की बातों से ऐसा लगता है कि करण एक पॉलिटिशियन है और बॉब उसका कैंपेन मैनेजर. बॉब सिमरन को बोलता है करण ने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, उस रात वो मेरे साथ था. सिमरन बोलती है मैं करण खन्ना से मिलने के बाद डिसाइड करूंगी कि मैं उनका केस दूंगी या नहीं. सिमरन करण से मिलती है और करण से कहती है आपके CCTV कैमरा से मिला है जिस रात आपकी वाइफ का मर्डर हुआ. आप 2 बजे घर आए और फिर 4 बजे घर से निकले थे और फिर वापस 6:30 पर पहुँचे थे घर वापस. करण सिमरन को बताता है उसके घर में एक इविल स्पिरिट है. उस स्पिरिट ने ही बरखा का खून किया है. सिमरन उसकी बातों के यकीन ही नहीं करती. नेक्स्ट सीन में सिमरन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो एक कोर्ट जज था. वहीं उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है. सिमरन इमोशनली करण का केस लड़ने के लिए रेडी हो जाती है. सिमरन पहले तो करण को जेल से बेल दिलवाती है. नेक्स्ट सीन में सिमरन करण से बोलती है मुझे अपना पूरा केस बताओ. करण बोलता है उस दिन वैलेंटाइन डे था, जब मैं नीचे आया तो बरखा को कोई गिफ्ट देना आया था और वो हार्ट शेप नेकलेस था. उसी दिन से मुझे और बरखा को इविल स्पिरिट फील होती है पूरे घर में. बॉब अपने घर पर होता है. अचानक से वो स्पिरिट विंडो पर एक एड्रेस लिखती है. बॉब जब वहाँ जाता है तो वो एक इंस्टीट्यूट होता है. बॉब वहाँ के मैनेजर को किसी की पिक दिखाता है और बोलता है आप इसको जानते हैं. वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ. बॉब करण को वॉइस मेल छोड़ता है कि मैं जानता हूँ वो स्पिरिट कौन है. बॉब जैसे ही वहाँ से निकलता है वो स्पिरिट उसे मार देती है. सिमरन एक डीमोनोलॉजिस्ट नीना से मिलती है. वो सिमरन को बताती है कि मुझे एक होटल का विजन आ रहा है. सिमरन जब घर आ जाती है तो न्यूज़ पर करण की एक फुटेज चल रही होती है जिसमें करण किसी लड़की के साथ था. सिमरन को अपने घर के एक डोर में न्यूज़पेपर मिलता है. उस पर एक लड़की के मिसिंग होने की न्यूज़ होती है. ये लड़की वही होती है जो करण के साथ थी. नीना करण को बताती है सिमरन मेरे पास आई थी फौरन. उसको एक विजन आती है कि एक लड़की रिशेल है और ये क्रिसमस नाइट को मर्डर हो गई थी. सिमरन करण को बोलती है कि तुम्हें मिलने से पहले ये लड़की मर चुकी थी और तुम्हारा घर क्रिसमस से ठीक 2 महीने बाद हॉन्टेड हुआ. करण बताता है स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है. वो और बॉब एक ट्रिप पर गए थे. उस होटल में मैं रिशेल से वहीं मिला था. उन दोनों में अफेयर स्टार्ट हो जाता है. करण बताता है जिस दिन बरखा का मर्डर हुआ था उस रात मैं रिशेल के साथ ही था. मुझे पता ही नहीं मैं कैसे उस होटल में गया और वहाँ से कब वापस आया. कहती है ये पोजेशन है. स्पिरिट ने करण की बॉडी को प्रोसेस कर लिया था. उसने करण के थ्रू बरखा को मारा. नेक्स्ट सीन में नीना सिमरन और करण को कहती है
कि सारे मसले की जड़ वो हार्ट शेप लॉकेट है। सिमरन जब वो लॉकेट करण के घर लेने के लिए जाती है, वो करण को बताती है, मूवी फिर फ्लैशबैक में जाती है। सिमरन और उसके फादर डॉक्टर सिंह होते हैं। डॉक्टर सिंह एक साइकेट्रिस्ट थे। डॉक्टर सिंह सिमरन को ये लॉकेट दिखाते हैं और बोलते हैं, ये मेरे पेशेंट की अमानत है मेरे पास और मुझे उसकी अमानत किसी को देनी है। मूवी प्रेजेंट में आती है। करण बोलता है, इसका मतलब है तुम्हारे फादर ने ये लॉकेट बरखा को दिया। कोई ना कोई कनेक्शन है बरखा और उस स्पिरिट में। सिमरन बोलती है, मेरे फादर अपने हर केस को अपने पर्सनल डायरी में लिखते थे। सिमरन अपने फादर के घर जाती है, वो डायरी पढ़ती है। मूवी फिर फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर सिंह एक लड़की जिसका नाम सोनिया है, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सोनिया बताती है, वो और बरखा रिलेशनशिप में थे। बरखा ने वो लॉकेट सोनिया को गिफ्ट किया था। फिर बरखा और करण की शादी हो गई। बरखा चीटेड हर। और जब सोनिया ने कहा कि मैं सबको बता दूंगी, तो बरखा, करण और बॉब ने मिलकर उसे मेंटल असाइनमेंट दिलवा दिया। सोनिया डॉक्टर सिंह को बोलती है, मैं उन तीनों को मार देना चाहती हूँ। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद सोनिया सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर सिंह वो लॉकेट बरखा को दे देते हैं। खैर, मूवी प्रेजेंट में जाती है और सोनिया की स्पिरिट लास्ट में करण को मार ही रही होती है। सडनली सिमरन को विजन आता है कि नैना ने कहा था सारे मस्ती की जड़ वो लॉकेट है। नेक्स्ट सीन में सिमरन अपने पैरों से लॉकेट तोड़ देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं करण की बेर और इलेक्शन जीतने के बिना पर सेलिब्रेशन हो रही होती है और कोई गेस्ट उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट के अंदर हमें दिखाते हैं पैम, वो लॉकेट होता है। दी एंड। गाइस, मुझे लगता है इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि वो लॉकेट करण के पास वापस आ गया है। बेचारे सिमरन को फिर इतना सारा काम करना पड़ेगा। लॉल। इस मूवी में भूल भुलैया बहुत हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। जब रिशेल का पार्ट आता है तो व्यूअर्स सोचते हैं यही होगी स्पिरिट, करण ने चीट किया होगा इसको और करण ने इसको मारा होगा। खैर, मूवी अच्छी थी। ओके गाइस, मैं आने वाली वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी, तो गाइस मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, एंड स्पेयर लव।